में सीट के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के उम्मीदवार के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास के समक्ष अपना नामांकन पत्र जमा कराया। अभिभाषक रामस्वरूप गुप्ता और जिला भाजपा के अध्यक्ष केदार सिंह यादव मौजूद थे। तोमर यहां से 2009 में भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के प्रत्याशी राम निवास को 1,00,000 से अधिक मतों से पराजित किया था। शुभकामनाएं। और कल बीएसपी ने टिकट बदला है अपना, क्या मानना है आपका? बाहर से हरियाणा से लाए, शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैंने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और आज के इस नामांकन में श्री रुस्तम सिंह जी, श्री गजराज सिंह जी ने मेरे नाम को प्रस्तावित किया है। चुनाव का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव में हम मुरैना में भी विजयी होंगे, मध्य प्रदेश में भी विजयी होंगे और संपूर्ण देश में नरेंद्र मोदी जी को पहले से अधिक बहुमत प्राप्त होगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। इस बार चंबल के लिए आपके क्या खास मुद्दे होंगे साहब? चंबल के मुद्दे जग जाहिर हैं, सरकार में थे, चाहे राज्य शासन हो चाहे केंद्र शासन हो, हर शासन ने चंबल की तस्वीर बदलने का एक सदप्रयत्न किया था। जो काम अधूरे हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा और विशेष रूप से दो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित हैं, एक नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तन करना जिसके लिए हमने पिछले बार कहा था, उसका काम आरंभ हो गया है, और दूसरा चंबल एक्सप्रेस वे, इसके काम को गति देना जो पूरे चंबल क्षेत्र की तस्वीर को बदले। भाजपा का मुकाबला किससे होगा, बीएसपी या कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी से ही मुकाबला होगा जिसका भी हो। बसपा ने कल अपना टिकट बदला है, क्या मानते हैं आप उसको, क्या रणनीति है बसपा की? कौन सी पार्टी से कौन उम्मीदवार लड़ रहा है ये उस पार्टी का विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ, जो पार्टी सामने आएगी जनता के आशीर्वाद से उसको परास्त करूंगा और विजय को हासिल करूंगा। पिछली बार 1,00,000 जीत, अब की बार क्या तैयारी है, कितना का कितना अंतर रहेगा, जीत का अंतर कितना होगा? देखिए मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन इस बार कार्यकर्ता और ताकत से काम करेंगे और अच्छे से हम देश में भी जीतेंगे और मुरैना श्योपुर लोकसभा में भी। गाजियाबाद में नाबालिग लड़की ने अपनी ही सहेली के भाई पर रेप का आरोप लगाया। गाजियाबाद के मसूरी इलाके की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि वह अपनी सहेली के घर पर गई थी जहां पर उसे पानी में नशीला पदार्थ घोलकर पिला दिया गया। इसके बाद वह बेहोश हो गई और सहेली के भाई ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसे अगवा किया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों समेत कुल 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्या मामला हुआ आपके साथ? सर मैं पढ़ने के लिए जा रही थी मदरसे। कहाँ जाती है? मदरसे अड्डे पे। जी जी। तो सर मैं उसकी बहन के लिए बुलाने जा रही, उसकी बहन को बुलाना जा रही थी समस्या आलम की। तो फिर उसकी भाभी कह लगी कि बैठ जा घर पर, फिर मैं बैठ गई। उसकी भाभी पानी लाई मुझे गिलास में, फिर उसकी भाभी पानी लाई, फिर मैं कह लगी नहीं मैं नहीं पी रही, कह लगी नहीं पी ले कुछ, पी ले ठंडा पानी, फिर मैंने पी लिया उस पानी को पीते, फिर मुझे कुछ नहीं पता कि तू कहाँ पे कहाँ नहीं। फिर वो लोग मुझे गाड़ी में घेर के ले गए, इतना तन मन तो होश था पर लेकिन वो उसमें नहीं था जैसा कि गाड़ी में आपको बिठाकर कहाँ ले गए थे? सर वो होटल में ले गए शायद, मुझे इतना पता बस। फिर उन लोगों ने मेरी वीडियो भी बनाई और मुझे धमकी दी कि अगर ताना कहीं पे बता दिया तो तुझे मार देंगे और तेरे दोनों भाइयों को मार देंगे। आप जिन जो लड़के आपको लेके गए थे वो आपको पहले जानते थे, आपसे बात करते थे पहले? नहीं। आप भी बात नहीं करते थे? नहीं। उसके बाद आप अपने घर आए, अपने परिवार को बताया? नहीं। तो फिर मुझे मेरे घर वालों ने ढूंढा जी, फिर मुझे वो दूसरे गांव में छोड़ आया, फिर मुझे शाम को 4 बजे घुसा आया, फिर वो मुझे दूसरे गांव में छोड़ कर आया जी। फिर मेरे दोनों जीजू गए वहां पे और पुलिस वाले गए, फिर वो वहां से मुझे रात को 10 बजे घर पर लेकर आए, फिर रिपोर्ट करी। आपके परिवार ने थाने में एप्लीकेशन दी, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई अब तक? कुछ नहीं हुई, पुलिस वालों ने उन्हें दोनों को पकड़ लिया। एक का नाम नवाब, एक का नाम शमशालम है।
का कहना है कि एक अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको पुलिस ने बाद में छोड़ दिया है, क्या है इनको पूरा मामला? अभी ये मेरे संज्ञान में ये चीज़ नहीं है, मैं इस पर जानकारी कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ। अगर इस तरह की बात है, अगर पीड़िता ये कथन सत्य पाया जाता है तो अगर थाने स्तर पर इस तरह की बात हुई तो उनके खिलाफ जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसा वादी और कंप्लेनेंट जैसा कहता है और जो भी उनको कार्रवाई चाहिए वो पुलिस उसी तरह की कार्रवाई करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की समेत दो दर्जन से अधिक रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिली है। जैश ए मोहम्मद के एरिया कमांडर के नाम से रुड़की स्टेशन अधीक्षक को यह धमकी भरा पत्र मिला है। स्टेशन अधीक्षक ने पुलिस को चिट्ठी और अन्य दस्तावेज उपलब्ध करा दिए। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। पत्र एक रुड़की में SS साहब को प्राप्त हुआ था, जिन्होंने हमारे साथ इसको शेयर किया। तो इसके दृष्टिगत जो भी इसमें तथ्य अंकित किए गए हैं, इसमें कुछ स्टेशनों को उड़ाने की धमकी के साथ साथ कुछ धार्मिक स्थलों पर हमला करने की धमकी दी गई है। तो इसको हम पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और हमने चेकिंग बढ़ा दी है अपने स्टेशन पर। BDS के साथ हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और साथ में जिसने भी ये पत्र भेजा उसको ट्रेस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और इस पर जो भी विधि कार्रवाई है की जाएगी और जिसने भी ये पत्र भेजा है उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। BDS के साथ हम लोग चेक कर रहे हैं जितने भी इक्विपमेंट हैं एक्सप्लोसिव ट्रेस करने के लिए। साथ में यदि ट्रेस हो जाता है तो उसको उसका जो इफेक्ट है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और उनके हम लोग साथ में अवेयरनेस भी कर रहे हैं और उनका हम लोग प्रयोग करेंगे और सब रेडी दशा में हम लोगों ने रखे हैं। यूपी के मुख्य योगी आदित्यनाथ भले ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे करें और अपने हर भाषण में महिला सुरक्षा की बात को शामिल करें, लेकिन मेरठ में CM के इन दावों की हवा उस वक्त निकल गई जब एक परिवार ने दबंगों की दबंगई और छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई लेकिन उसका पति और बेटी अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। थाना हस्तिनापुर के गांव कल्टीपुर में एक प्रकरण सामने आया है जिसमें दो परिवारों के बीच विवाद के चलते एक परिवार के 3 सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, उसमें से जो एक महिला है उसकी मृत्यु हो गई है और जो उसकी पुत्री और उसका पति हैं वो दोनों लोग फिलहाल खतरे से बाहर हैं। इस प्रकरण में अभी थाना हस्तिनापुर पर एक FIR पंजीकृत की गई है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम लगाया गया है और धारा 306, 354, 147 लगाई गई है। दो लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुरादाबाद के गांव रुस्तमपुर बरौली में एक घर में युवक का शव फांसी पर लटका मिला, लेकिन पूरे गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब मृतक के भाई ने डायल 100 को सूचना कर पुलिस को बुला लिया। इसके बाद कोतवाली बिलारी की पुलिस मौके पर पहुंचकर घर के दरवाजे को तोड़कर मृतक के लटके हुए शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा और उसकी पत्नी से पूछताछ की तो पत्नी प्रेम पति ने आत्महत्या करने का मामला बताया, जबकि मृतक के भाई और बहन से पूछताछ के दौरान मामला प्रेम प्रसंग का निकला। क्या नाम आपका? मदन लाल। क्यों आज मौत हुई है, क्या आया लग रहा है आपको? मतलब गलत लग रहा है, भाभी ने मारा है। क्यों मारा, क्या वजह रही? अपने आप में दूसरे लगी हुई है। किससे? यार के पास में, यार के पीछे मारी। किससे लगी हुई है? बीएनआर। कहाँ का रहने वाला? बीएनआर रुस्तमपुर। तो कितने समय संबंध है इनके? संबंध हो गए लगभग 5 साल, इसका पता नहीं। अच्छा, कोई झगड़ा जैसा रहता था आपस में, मनमुटाव रहता था आपस में? हाँ, काफी रहता था। या वीर अंदर में इनमें झगड़ा हुआ कभी? हाँ, झगड़ा हुआ, जंगल भी मारा उसने। जंगल में गए। अब शिकायत किसके खिलाफ देंगे? शिकायत किसके खिलाफ में जब देंगे? बनमता के खिलाफ देंगे। इसके वीरेंद्र के। वीरेंद्र और किसके खिलाफ करोगे? और रमेश नेपाल और वीरेंद्र का लड़का कपिल। अच्छा, कल कोई पुलिस को सूचना दी गई थी क्या? नहीं, सूचना दी गई था, सूचना पुलिस रुकी हुई थी। सूचना दी थी? सूचना हमने नहीं दी। तो नंबर फोन आ रहा था, हमारी बहन आई है जी रात 8 बजे जी, इसका बार बार इसकी घरवाली में फोन आ रहा था हमारे भाई की, फोन काट रही है बार बार, फोन बार बार काट रही है, फोन नहीं उठाया। लेकिन चौकी वाले तो मना कर रहे, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। अरे, सूचना आई है सर। आपने सूचना कर दी थी? हमने नहीं करी। तो कल से कोई पुलिस नहीं आई थी? नहीं सर। पुलिस को किसने रोक रखा था? पुलिस को मतलब क्या पता नहीं रोका है। हमने तो जब देखा है, हमारे हाथ माता गए, अकेले आऊँ मैं, ऐसा मान के चलो मेरी बहन आई है, तब मेरी हिम्मत बढ़ी है, फिर मेरे फूफा और मेरे फूफा मतलब बयाँ फुफेरा, उन्होंने हिम्मत बढ़ाई, तब चौकीदार के दौरे जाकर तब फोन कराया था। तो अब ये फांसी लग रही है या आपको किसी के द्वारा हत्या लग रही है? ये हत्या है। हत्या। फरीदाबाद लोकसभा सीट से कल BJP के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने राज्यसभा सांसद दानिल जैन और दूसरे नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया।
नामांकन दाखिल करने के बाद अपने से आश्वस्त दिखाई दिया अनिल जैन ने विपक्षों पर जोरदार हमला बोला और कहा कि अब की जीत पिछली बार की जीत से ज्यादा बड़ी होगी। जो हमारा कंपटीशन है हमारी पुरानी जीत से है, जितनी जीत से हम पिछली बार जीते थे उसको क्रॉस करने का हमारा कंपटीशन है, बाकी कहीं कोई कंपटीशन है ही नहीं। फिर एक बार मोदी सरकार उसके साथ साथ फिर एक बार किशनपाल गुर्जर की पिछली बारी जो हरियाणा में सबसे बड़ी जीत थी, आज हम कोशिश करेंगे कि देश में सबसे बड़ी जीत हो फरीदाबाद की। जो अलगाव देखने को मिल रहा था केंद्रीय मंत्री और विपुल जी के बीच में, आप दोनों आज भाई जी अलगाव तुम्हारे मन में हो गया, हमारे यहाँ कोई अलगाव नहीं है और भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी है, परिवार की बात में चलती है, कभी नोक नुकू हो जाती है तो सब मिल जाते हैं, सामने से लड़ना है तो सब हम इकट्ठे हैं, इसलिए कोई अलगाव की बात नहीं है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत अर्ज करेंगे और हरियाणा की नहीं देश की सबसे बड़ी जीत में से एक जीत होगी। जैसे खबर ये भी है कि कांग्रेस के कुछ लीडरों ने बीजेपी के लिए लाइजनिंग की है और उन्होंने सेटिंग करके टिकट दिलवाई है लोकसभा की, कमजोर कैंडिडेट दिलवाए बीजेपी ने लाइजनिंग की है, नहीं कांग्रेस ने लाइजनिंग की है बीजेपी के लिए, क्या पैसे लेके कमजोर कैंडिडेट उतरवाए कांग्रेस ने? हाँ जैसे जैसे फरीदाबाद में कमजोर कैंडिडेट दिया गया, कांग्रेस पूरी कमजोर है, पूरे देश भर में कांग्रेस है कहीं? नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भैया पहले बाद में कर लो नारे, नारे बाद में। अभी मैंने सुना है आम आदमी पार्टी से भी कोई कैंडिडेट आ रहा है, हाँ गया। और उस कैंडिडेट जो वो है कोई प्रॉपर डीलर है नवीन जैन की सुन रहे हैं, ऐसा है कि उनको अगर फरीदाबाद से कैंडिडेट नहीं मिला तो वोट कहाँ से मिलेंगे, ना वोट मिल रहे कैंडिडेट तो मिला ही नहीं ना फरीदाबाद से, बाहर से वो नवीन जैन को लेके आ रहे हैं तो यहाँ वोट मिलने वाले नहीं है, वोट जब उन्हें कैंडिडेट नहीं मिला तो वोट कहाँ मिलेंगे। अब इस समय कोई टक्कर नहीं है, बस ये टक्कर हमने अपने आप से टक्कर है कि अब पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से कितना मान के चल रहे हैं मंत्री जी का, कई गांव में विरोध देखने को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं विरोध समझा लेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के मन में कोई भ्रांति होगी कोई गलतफहमी होगी तो उसको हम ठीक कर लेंगे। मार्जिन की बात नहीं है, बात की जाए सब पूरे देश की बात की जाए तो कितनी सीट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं? भारतीय जनता पार्टी पिछले बार के बहुमत से ज्यादा सीट लेकर निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा अभी 8 राज्यों में दौरा हुआ है अभी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले वाले बहुमत से 282 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट आएगी और 350 से ज्यादा एनडीए की सीट आएगी। ये तय है। आप मार्जिन की बात कर रहे हैं पिछली बार से कितना मार्जिन? हम पिछले वाले मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से जीत की, यही हमारा कंपटीशन है। बीजेपी सरकार का कौन सा मुद्दा इस चुनाव में पूरे देश में भारी पड़ रहा है? देखिए देश में देश की सुरक्षा, देश का मान सम्मान स्वाभिमान, आतंकवाद पर करारी चोट, आतंकवाद की जड़ पर प्रहार और राष्ट्रवाद, ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से सबका साथ और सबका विकास बगैर भेदभाव के विकास जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है, इस देश में आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार है जिसने अपने एक कार्यकाल में योजना बनाई, उसका क्रियान्वयन भी किया और रिजल्ट भी आया। नहीं तो पहले योजना बनने में 2-3 टर्म लगाते थे, फिर क्रियान्वयन होता था, रिजल्ट आता ही नहीं था, आज तक नहीं आया रिजल्ट। 4 पीढ़ियां हो गई इनको कहते कहते गरीबी हटाओ और नई गरीबी हटी, गरीबी बढ़ गई और इस सरकार ने 5 साल में गरीबी हटाने का मुकम्मल काम किया है। ये है कहने और करने में फर्क नहीं है इस सरकार का। जो गठबंधन हुए हैं वो किस तरीके से टक्कर दे पाएंगे या नहीं? गठबंधन है ही कहाँ, जो सब जगह जो महामिलावट है, इस महामिलावट से और शुद्धता की लड़ाई है, शुद्ध को लोग निश्चित रूप से शुद्धता को चुन रहे हैं और महामिलावट को नकार रहे हैं, सारे देश में यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सांसद हूं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं उत्तर प्रदेश की जितना हमारी 73 सीटें उत्तर प्रदेश में थी, एक सीट कम होने वाली नहीं है। अब उनके परिवार की सीटों का खांचा पड़ गया है, आजमगढ़ में वो निश्चित नहीं है, कन्नौज में वो निश्चित नहीं है, फिरोजाबाद में वो निश्चित नहीं है, बदायूं में निश्चित हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी परिवार में जो एक सीट अगर कह सकते हैं तो नेताजी की सीट पर एक कह सकते हैं कि उनको मिलेगी, बाकी सब सीटें उनकी फंसी हैं। अमेठी में और रायबरेली में ये जो नामदारों की भी हार होने वाली है तय है। जैन साहब, आप
नेताजी की सीट बची हुई है क्या वहाँ पे संशय आपको भी आप खुद यहाँ नहीं नेताजी की सीट पर फाइट है बाकी सीटें हम जीत रहे हैं बीजेपी महागठबंधन की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने महागठबंधन किया है लेकिन बीजेपी भी देश भर में कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुकी है तो इसके साथ भी तो गठबंधन जोड़ा जा सकता है कि दो है बीजेपी भी महागठबंधन कर चुकी है देश भर में और कांग्रेस भी कर चुकी है फिर इस बार में आप क्या कहेंगे सर नहीं हमारी गठबंधन ये आज का नहीं है हमारा गठबंधन पहले से गठबंधन तय है जो लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे ये गठबंधन इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया दो लड़के मिले थे अब वो एक दूसरे के सामने आमने खड़े हैं ममता बनर्जी से ये झगड़ लड़ाई लड़ते थे अब एक साथ खड़े हैं अभी भी एक साथ नहीं हो पाए इस प्रकार इनके गठबंधन में जोड़ नहीं है इनके गठबंधन में समझ नहीं है इनके गठबंधन में विचार की एकता नहीं है हमारा गठबंधन पहले से तय है हमारा शिवसेना से जमाने से गठबंधन है हमारा अकाली दल से जमाने से गठबंधन है हमारे गठबंधन में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिन लोगों को ने विश्वास व्यक्त किया है सरकार चलाती देखकर और देश का मान स्वाभिमान सम्मान जो दुनिया में आज विश्व पटल पर आजादी के बाद सबसे ज्यादा सम्मान भारत का आज है ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता के कारण से है इसलिए हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो विचार के आधार पर और कार्य के आधार पर जुड़े हैं इनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो केवल एक ही आधार पर जुड़े हैं कि मोदी हटाओ हम कहते हैं गरीबी हटाओ ये कहते हैं मोदी हटाओ हम कहते हैं आतंकवाद हटाओ ये लोग कहते हैं मोदी हटाओ हम लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ ये लोग कहते हैं मोदी हटाओ हम लोग कहते हैं परिवारवाद हटाओ ये लोग कहते हैं मोदी हटाओ हम कहते हैं तुष्टिकरण हटाओ ये कहते हैं मोदी हटाओ तो इनके पास कोई विषय नहीं है मोदी हटाओ ये कोई कार्य पद्धति नहीं हो सकती हमारे पास निश्चित कार्य पद्धति है बहुत बहुत जैसे आप ही के सांसद अलीगढ़ से उन्होंने विवादित बयान दिया है पर एक रहती है बीजेपी में मतभेद हो सकते हैं मन में कभी नहीं हो सकते इसलिए बीजेपी एक थी एक है और एक क्या ऐसी वजह थी कि वो अलग चल रही थी आप अलग चल रहे थे कोई अलग नहीं पार्टी के साथ हर हमारा कार्यकर्ता है इस बार जीत कैसी होगी मंत्री जी देखिए मैं कहता हूँ ये जीत ऐसी होगी न भूतो न भविष्यो साथ पहले कभी हुई न आगे पिछली बार से भी आंकड़ा देखिए मुकाबला अपने आप कुछ अपने रिकॉर्ड से ही है और इस बार पूरी उम्मीद है एक मिनट जाना ऐतिहासिक जीत फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और पहले कस्बे थे इस बार पहले 3-4 में आने का पक्का मुझे यकीन है कुछ लोग विरोध करें गांव में कैसे मनाएंगे कोई विरोध नहीं है सब साथ मंत्री जी हमारे पास किसी बात को जय लव है अभिनंदन आम चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 23 अप्रैल को तीसरे चरण में मतदान होना है इसके तहत स्थानीय निर्वाचन विभाग द्वारा शहर के सोनकपुर स्टेडियम में कैंडल मार्च आयोजित किया गया इसमें स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे जिसमें लोगों से मतदान करने की अपील की गई देखिए लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो मतदान है और मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम लोग लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं वो चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर्स जो है बनाए हुए हैं कॉलेज और स्कूल लेवल पर हम लोगों ने एक जो है इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब बनाया हुआ है और इसी तरह से बच्चों के द्वारा रैली निकाल करके प्रभात फेरी निकाल करके निबंध लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से और बहुत सारे क्रियाकलाप करके हम ये मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र में मतदान बहुत महत्वपूर्ण होता है और मतदान के माध्यम से ही हम अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं तो चूँकि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप मतदान है अगर मतदान जितना अच्छा होगा उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा इसी संदेश को देने के लिए आज यहाँ पे ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें शहर के 3 स्थानों से रैली निकाली गई थी जो यहाँ पे आकर के समाप्त हुई है और यहाँ पे हम लोगों ने एक देश का नक्शा बना करके
और उस पे जो है उसको कैंडल से हम लोगों ने प्रज्वलित किया है और यहाँ पे एक शपथ ली है कि हम लोग जो आगामी हमारा 23 अप्रैल को मुरादाबाद में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारे जनपद के सभी मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से जो है चुनाव में अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। गाजियाबाद से लूट का लाइव वीडियो सामने आया है। नवीनगर थाना क्षेत्र में गोविंदपुरम इलाके में पतंजलि स्टोर में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला काउंटर पर बैठी हुई है और बदमाश आते हैं और हथियार के बल पर हजारों रुपए लूट को अंजाम देते हैं। महिला विरोध भी करती है लेकिन बदमाशों के हाथ में हथियारों को देख बेबस। महिला की बेटी भी काउंटर के पास ही खड़ी होकर सब कुछ बस देखती ही रह जाती है। वहीं पुलिस सूत्रों से मालूम हुआ कि बदमाशों ने पूरे 2500 गाजियाबाद से लूटा और इसके बाद लग्जरी कार भी लूटी। गोविंदनगर पुलिस के अलावा नोएडा पुलिस भी बदमाशों की तलाशी ली गई। यूपी के मुरादाबाद देहात की बात करते हैं जहां पर ठाकुर अमरपाल सिंह का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ठाकुर अमरपाल सिंह ने कहा कि चुनावों में उनकी ही जीत होगी। हमत उमत करेंगे, समय नष्ट करेंगे, लेकिन उनके अंदर कुछ शक्ति नहीं है। पहली बार फतेहपुर जिले में मैरिज लॉन में शादी समारोह में डीजे बंद कराने गई पुलिस से दबंगों ने अभद्रता करनी शुरू कर दी। पुलिस के साथ हुई अभद्रता की सूचना पुलिस के आलाधिकारियों को लगी तो मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची, जहां पुलिस फोर्स को देख दबंग भाग खड़े हुए। सदर कोटवाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे एक मैरिज लॉन पे यहाँ पे पुलिस गई थी डीजे बंद कराने, जिसको लेकर वहाँ पे धक्का मुक्की और पुलिस के साथ अभद्रता की गई थी। क्या था सर प्रॉब्लम? इस संबंध में थाना कोतवाली पर चौकी इंचार्ज कचहरी विवेक द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है कि जब वह रात्रि में 10:30 बजे के आसपास एक डीजे को बंद कराने के लिए गए तो वहां पर मौजूद लोगों ने डीजे बंद करने से मना किया। वो लोग मेन रोड भी जाम कर रखे थे जिससे आवागमन अवरुद्ध था और पुलिस के कार्य में बाधा डालते हुए उन लोगों ने डीजे वाले को भगा दिया। इस संबंध में मैरिज हॉल संचालक और डीजे संचालक तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। वहीं बिलारी में चोरों के हौसले बेहद बुलंद, चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए। एक बार फिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो सिरसी चौराहे पे ये खड़ा था तो इसे यही गाड़ी दी गई। इस गाड़ी में इसने भैंस अपनी पहचान ली तो इसने गाड़ी का पीछा करते हुए ये फैक्ट्री पे पहुंच गया और पहुंच गया तो गाड़ी सीधी फैक्ट्री में अंदर चली गई। कांटा फैक्ट्री के बाहर होता है, उसमें एक सेकंड भी न रुकी होगी गाड़ी, तो इसे अंदर जाने ना दिया। तो फिर शामली में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश लूट और हत्या जैसे कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था। हालांकि बदमाश का एक अधिक साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया। सर एक मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा प्रकरण है? जैसा आप लोगों को मालूम है कि 2-3 दिन पहले एक लूट हुई थी और लूट के दरमियान उसका विरोध करने पर पीड़ित को बदमाशों ने गोली मार दी थी। उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त हुई थी, उनके नाम सामने आए थे और तभी से उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे थे। उसमें 5 टीमें लगाई गई थी जिसमें से एक जो मेन टीम थी थाना भवन की, उसके द्वारा काफ़ी प्रयास करने के उपरांत आज तकरीबन करीब 11:30 बजे के आसपास मुखबिर सटीक से सूचना मिली थी कि बदमाश जलालाबाद की तरफ से लोहारी की तरफ आने वाले हैं। उसी सूचना पर विश्वास करके हमारी पूरी टीम थाना अध्यक्ष संदीप बालियान के नेतृत्व में घेराबंदी की हुई थी। बदमाश एक बाइक पर आते हुए दिखाई दिए, उनको रुकने का इशारा किया गया परंतु रुके नहीं, उनके पीछे पुलिस टीम लगी। कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। चूँकि उनका मोडस ऑपरेंडाई में यही है, जहाँ भी लूट करते हैं वो गोली चला देते हैं, इस तरह का इनका शोहरत है, तो इन्होंने पुलिस पार्टी पे गोली चलाई।
और मजबूर होकर के पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में प्रत्युत्तर में फायरिंग की। उस फायरिंग के दरमियान एक बदमाश को गोली लगी, वो काफ़ी तेज़ चिल्लाया और ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद हमारी पूरी टीम घेराबंदी जारी रखी और उस बदमाश को हिरासत में लिया। इसी दरमियान पता चला कि हमारे एक सिपाही सुनील तोमर हैं, उनकी भी बाईं भुजा में गोली लग गई है। इन दोनों लोगों को तत्काल मौके से हटा करके यहाँ पे CHC थाना भवन ले जा करके वहाँ एडमिट कराया गया है, उसमें प्राथमिक उपचार चल रहा है। मौके की तलाशी ली गई तो उसमें एक तमंचा मिला है, उसके बाद 4 कारतूस, खोखा कारतूस और 6 जिंदा कारतूस यहाँ मौके से बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक बैग मिला है जिसके अंदर 50,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। बदमाशों के कब्ज़े से एक बाइक भी बरामद हुई है जो दिल्ली के रजिस्ट्रेशन का, उस पर नंबर प्लेट लिखा हुआ है। ये सारी बरामदगियाँ हुई हैं। साथ ही साथ एक पासबुक भी कई टुकड़ों में बरामद हुई है, जो अभी जाँच पड़ताल के बाद सामने आया है कि जो लूट हुई थी बैंक से पैसा निकाल के ले जाते समय उनका पासबुक भी उसमें गायब हुआ था, वो भी कई टुकड़ों में यहाँ बरामद हुआ है। एक बदमाश जिसका नाम इस बदमाश ने बताया कि सुल्तान नाम बता रहा है, वो इसी अंधेरे का फ़ायदा उठा के इसमें गुम हो गया। जो हमारी टीम आप देख रहे होंगे ये लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रही है। जो पकड़ा गया बदमाश है उसका नाम शाकिब सामने आया है, जो लुहारी गाँव का रहने वाला है। और इसके आपराधिक इतिहास तलाशे गए तो कुछ जानकारी मिली कि इसने पहले भी लूट की घटना को अंजाम दिया है और ये हमारे थाना आदर्श मंडी से ये वांटेड है और 25,000 का इनामिया है। तो इतनी सारी जानकारियां हैं। बाकी जो भागा हुआ बदमाश है उसको अभी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, उसकी तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि सुबह तक उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। और मैंने अपनी टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम अलग से देने की घोषणा की है, और साथ ही साथ जो 25,000 का इनामिया बदमाश है जो घायल हुआ है उसको उसका भी इलाज किया जा रहा है। घायल बदमाश और सिपाही दोनों हालांकि ख़तरे से बाहर हैं, परंतु बाकी आगे की कार्रवाई उसके आधार पर की जा रही है ताकि दोनों की जान बच सके। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर में पुलिस ने BSP के लोकसभा उम्मीदवार बलवीर सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि BSP प्रत्याशी बलवीर सिंह कुशवाहा पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है जिसमें वो 2 साल से फरार चल रहा था। भाजपा ने ग्वालियर में संसदीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया जो कि मोटर लैंडमार्क के पास पढ़ाव क्षेत्र में मोदी हाउस के नाम से जाना जाता है। कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भाजपा मध्य प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्ध द्वारा किया गया। सभी लोगों की कांग्रेस सहित जो है उन सबकी सोच क्या है और पूछो। CM का नाम भी ले रहे हैं जेंडर घोटाले में, नाम किसी का भी ले सकते हैं, काम क्यों नहीं करते कुछ। 4-5 महीने हो गए, पहले कह रहे थे कि सहकारिता में घोटाला हुआ है, फिर कह रहे ई टेंडर में हुआ है। अरे ई टेंडर घोटाला कैसे कहते हो किसी को, जो 9 FIR की गई है उस 9 FIR में 1 रुपये का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और 1 रुपये का काम धरातल पे नहीं हुआ, घोटाला कहाँ से हो गया। घोटाला उसको कहता है कि मुख्यमंत्री के चहेतों के यहाँ से 281 करोड़ रुपया का नगद ट्रांजेक्शन पकड़ा गया, तुगलक रोड से पैसा कांग्रेस कार्यालय में गया, ये घोटाला कहलाता है जो पकड़ा जाता है। आप पकड़ते क्यों नहीं हो और पूछो। जिस तरीके से नहीं लगा रही जो सीटें बीजेपी की परंपरागत सीटें हैं, चाहे विदिशा हो, भोपाल हो या इंदौर, इन सीटों पर प्रत्याशी परंपरागत सीटें हैं। आप भी कह रहे हो कभी भी कर रहे, जीतना हमको ही है और पूछो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बिजनौर गंगा बैराज घाट पर अचानक आई दरार से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और इतना ही नहीं राहगीरों में भी दहशत का माहौल पैदा हो गया। दिल्ली पुणे हाईवे राजमार्ग पर DM बिजनौर ने 3 दिन के लिए बड़े वाहनों पर रोक लगा दी। लंबे जाम में फंसे लोगों